गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा के समसामयिक मुद्दों पर लगातार बात करने के लिए। इसी सिलसिले में पूरी दुनिया के गोरखाली समाज का जहां पर इस समय सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा ध्यान टिका हुआ है वो है दार्जिलिंग में होने वाले चुनाव के नतीजों से लेके। आज 23 तारीख है और आज मतगणना जारी है दार्जिलिंग पहाड़ में। हम आपको बता दें कि राजू बिस्टा लगभग चुनाव जीत चुके हैं, घोषणा अब महज औपचारिकता शेष रह गई है। राजू बिस्टा इस समय 3,79,040 वोट अपने नाम कर चुके हैं। वहीं उनके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी अमर सिंह राय, उनको अभी तक 1,56,397 वोट मिले हैं और दोनों के बीच में जो अंतर है और जो राजू बिस्टा का जो बढ़त है इस समय हो चुका है 2,32,643, यानी उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है, केवल घोषणा भर शेष है। उसी तरह नीरज जिम्बा, राजू बिस्टा के जो ओरा जो विधानसभा चुनाव में इस समय जो इतनी अच्छी पोजीशन नीरज जिम्बा की देखने को मिल रही है उसमें दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी का बैनर होना और जीएनएलएफ का संगठित रूप से काम करना, और वही दूसरा पक्ष उनके में यह फायदेमंद रहा कि राजू बिस्टा ने जो लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो एक ओरा एक सेट जो ओरा सेट किया था उसका कहीं ना कहीं फायदा नीरज जिम्बा को मिला। नीरज जिम्बा भी करीब करीब एक निर्णायक बढ़त बना चुके हैं और माना जा रहा है कि शाम में जब नतीजे घोषित होंगे नीरज जिम्बा विधायक के तौर पर कोलकाता में विधानसभा में दार्जिलिंग का प्रतिनिधित्व करेंगे। और राजू बिस्टा के बारे में लगातार खबरें आप तक पहुंचाने के लिए वीर गोरखा प्रत्येक थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में अपडेट देता रहेगा। अभी का फिलहाल अपडेट एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, राजू बिस्टा को 3,79,040 वोट मिले हैं जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अमर सिंह राय को 1,56,397 वोट मिले हैं। कुल अंतर 2,32,643 का है। अब हमें या यूं कहें पूरे हिंदुस्तान की जनता को कहना पड़ेगा कि दार्जिलिंग में राजू वाकई जेंटलमैन बन गया है, राजू बन गया जेंटलमैन। ये खास प्रस्तुति आज शाम को 9 बजे वीर गोरखा वेब टीवी प्रसारित करेगा, देखना ना भूले। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारी खबरों को लाइक शेयर कमेंट सभी करें। लगातार हमारी खबरों से अपडेट होने के लिए बंधे रहिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ कुछ देर में।